हेलो ऑल लर्नर्स एंड ऑल लवली स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन का टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की पैकेजिंग के जो भी मटेरियल्स हैं उनके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम नैन्सी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो लेट अस हैव अ लुक एट पैकेजिंग टॉपिक। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट वॉट इज पैकेजिंग। तो आज सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैकेजिंग होता क्या है। तो पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। पैकेजिंग को तीन तरीके से बताया गया है कि पैकेजिंग एक आर्ट है, साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है। क्या है होता है उसमें? इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स। इनक्लोज करना और प्रोटेक्ट करना किसी भी प्रोडक्ट को, यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज करने के लिए हम साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी का यूज करके पैकिंग करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इवैल्यूएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजिंग। ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम डिजाइन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पैकेज को बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है। ड्रग क्वालिटी प्लस पैकेजिंग क्वालिटी इक्वल टू प्रोडक्ट क्वालिटी। अब ड्रग की क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव या इसको मेंटेन और उसकी शेल्फ लाइफ को एज इट इज रखने के लिए हम पैकेजिंग की भी क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, अप टू द मार्क रखते हैं, सो दैट प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एल्युमिनियम फॉइल पैकेजिंग है और एक तरह की ब्लिस्टर पैकेजिंग है जिसमें कैप्सूल को पैकिंग किया गया है। लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैकिंग एंड द पैकेजिंग। हियर यू हैव टू फोकस ऑन टू टर्म्स, वन इज योर पैकिंग एंड अनदर वन इज योर पैकेजिंग। तो पैकिंग को जानते क्या होते हैं। पैकिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग एक तरह की प्रिपरेशन है जिस हम प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सेल। पैकेजिंग कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेप ऑफ पैकेजिंग। इट इंक्लूड्स रैपिंग, स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जबकि पैकेजिंग क्या है? इट इंक्लूड लेबलिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रमोशन। नेक्स्ट, पैकिंग इज डन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट। जबकि पैकेजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द पैकिंग एंड द पैकेजिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या रोल है, क्या इम्पॉर्टेंस है, इसको हम देखते हैं। टू अट्रैक्ट द अटेंशन। ह्यूमन नेचर है कि अटेंशन उसी को मिलती है जिसके टूवर्ड्स आइडेंटिटी और एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा होता है। तो उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के टूवर्ड्स भी अटेंशन जाता है। तो इट अट्रैक्ट द अटेंशन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द गुड इंसाइट्स। जो पर्टिकुलरली गुड्स है पैकेजिंग के अंदर, जो मटेरियल है उसको प्रोडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, असिस्ट इन प्रमोशन। नेक्स्ट, हेल्प इन यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट, यूज फॉर ट्रैक एंड ट्रेस पर्पस। ट्रैक एंड ट्रेस पर्पस से भी पैकेजिंग किया जाता है, मतलब अगर उसमें कोई भी तरह का कोड है उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट, इट्स डिफरेंशिएटिव्स योर ब्रांड फ्रॉम अदर्स। इससे आप डिफरेंस मिलता है एक पर्टिकुलर ब्रांड को अनदर ब्रांड से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पैकेजिंग क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन।
ब्रांड को एक तरह का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है पैकेजिंग करने से, क्रिएशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या होते हैं फंक्शन देख लेते हैं पैकेजिंग के। दो तरह से फंक्शन होते हैं, फर्स्ट इज योर प्राइमरी फंक्शन एंड अनदर इज योर सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन से क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रिजर्वेशन हो रहा है, इकोनॉमी और कन्वीनियंस हो रहा है। सेकेंडरी से कंटेनमेंट से आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, सुटेबिलिटी हो रही है, लेबलिंग हो रही है, हैंडलिंग ईजी हो रही है। तो दीज आर द साइकिल। अब देख लेते क्या होते हैं स्टेप पैकेजिंग के। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड द टर्शियरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में हम बेसिकली ब्लिस्टर पैकिंग करते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग में हम बॉक्सेस को यूज करते हैं। टर्शियरी पैकेजिंग में हम कर्टन्स एंड पैलेट्स का यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ थ्री पैकेजिंग विच आर स्टेप्स ऑफ पैकेजिंग। लेट अस हैव अ लुक एट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो कैप्सूल की पैकेजिंग के लिए हम थ्री टाइप के कॉमनली पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज योर ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग, एलू पैकेजिंग एंड द बॉटल पैकेजिंग। आपने वेरियस टाइप की कैप्सूल्स इनटेक की होंगी, उसमें आपने देखा होगा बहुत तरीके की पैकेजिंग का यूज होता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम पैकेजिंग मटेरियल को यूज करके अपने फार्मास्यूटिकल कैप्सूल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज हम पैकेजिंग मटेरियल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक तरह की ब्लिस्टर पैकेजिंग है जो बहुत ही कॉमन होती है। तो ये है आपकी ब्लिस्टर पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैकेजिंग में मटेरियल्स कौन से यूज करते हैं, उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। इसमें हम पेपर एल्युमिनियम कॉम्बिनेशन एंड एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में जो पैकेजिंग है इसको हम स्ट्रिप पैकेजिंग कहते हैं। इसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं फॉइल लेमिनेशन, पेपर, पॉलीएथाइलीन एंड सेलोफेन का यूज करते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रिप पैकेजिंग। यहाँ पे हम जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक तरह की एलू पैकेजिंग है। आपने ये भी पैकेजिंग कॉमन मार्केट में देखी होगी। तो दिस इज अ एलू टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो एलू पैकेजिंग का मीन्स है एल्युमिनियम फॉइल एट बोथ अपर एंड लोअर साइड ऑफ द पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग जिसमें एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं अपर एंड द लोअर बोथ साइड, उसको हम एलू पैकेजिंग कहते हैं। नाउ हियर यू कैन सी इट इज वेरी कॉमन एंड आप जानते भी है, इसको हम बॉटल पैकेजिंग कहते हैं। और बॉटल पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं बॉटल का, पॉलीएथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन स्क्रू कैप, पॉलीस्टाइरीन बॉटल माउथ। तो माउथ स्क्रू का अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। सील के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीलिंग हम एल्युमिनियम फॉइल की इसके अपर पार्ट को क्लोज करने के लिए करते हैं। तो दीज आर बॉटल पैकेजिंग। सो नाउ हियर योर पैकेजिंग पार्ट इज एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।